टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे देखिए 19 तारीख का ये नोटिस है और ये ऑफिस ऑर्डर है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से भेजा गया है। ये कहा गया है कि 17-10 को जो नोटिस भेजा गया था उसी में को कंटिन्यू करते हैं। तो जो ये विभिन्न ऑफिसर हैं, ये जो विभिन्न इम्प्लॉई हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो विभिन्न इम्प्लॉई हैं, ये 18 इम्प्लॉई है दोस्तों। इनकी जैसे इस सुमित की इसके लिए ड्यूटी लगाई गई है, सुरेंद्र की इस ज़िले के लिए ड्यूटी लगाई गई है, इसकी फतेहाबाद के लिए लगाई गई है, इसकी हिसार के लिए लगाई गई, महेंद्रगढ़ के लिए लगाई गई, इस तरीके से इन 18 कैंडिडेट की इन 18 जगह पे अलग अलग से ड्यूटी लगाई है। साथ में दोस्तों देखिएगा कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है। अब किसी को सेटिंग करनी हो तो भाई इनसे बातचीत कर सकता है, और या भाई यहाँ पर भी अन्य स्टाफ के नंबर दिए हैं, इनसे भी बातचीत कर सकता है। तो ये वैसे तो पब्लिकली नोटिस नहीं मिलना चाहिए, पता नहीं, लेकिन हरियाणा में भाई सारी चीज़ें कैसे बाहर आउट हो जाती है, तो का ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए। और इस तरीके के नोटिस हैं, सरकार को पता होता है कि बाहर जा सकती है, तो उन पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया, कहा गया है कि हरियाणा में CET का टेस्ट होना है 5 नवंबर को और 6 नवंबर को, ठीक है, मॉर्निंग में और